नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है सुंदर भजनों के साथ और आज है शनिवार। कान्हा का आज स्कूल रहता है और उसका आज सेकंड एग्ज़ाम है PA 1 का। और देखिए, बादल बनते बनते मौसम का मिजाज बदलते बदलते सारे बादल चले गए हैं और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई यहाँ। और महाराष्ट्र, दिल्ली, बाकी के राज्यों में कितनी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। देखो आप मौसम देख सकते हैं कितना नीला है आसमान, देखिए। तो गाइस, जो खुशी का जो सर्टिफिकेट था वो अभी बन नहीं पाया है, तो उसके लिए पुणे जाना पड़ रहा है इनको। तो ये जाएंगे आज पुणे, तो ये आज जाएंगे 9:30 की गाड़ी से और कल पहुंचेंगे 4:30-5 बजे के लगभग, और फिर मंडे को वहां जाके काम करवाएंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो चलिए हम कान्हा को उठाते हैं क्योंकि उसका स्कूल है, तो उसको रेडी करते हैं। आइए कान्हा। बिना बैग ले जाए भाई कौन बोलता है? पानी रख लिया? वैसे लग नहीं रहा। गाइज, हम लोग कितने ATM घूम के आ गए हैं, अभी तक कहीं पे भी कैश नहीं है। बताइए, कहीं पे भी कैश नहीं मिला, इतने ATM घूम लिए। अभी आए हम मॉडल टाउन में। ये मॉडल टाउन है, देखो यहाँ का फेमस इलाका। ये देखो यहाँ पे बैंक ही बैंक है, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे बैंक हैं इधर। गाइस, ये स्कूल के बच्चे देखो, छोटे छोटे। फोन धरा से फोन कर दिया। हाँ, टाइम हो गया 12:30 और जैसे कि आपको मालूम है ये पुणे के लिए निकल चुके हैं, तो इन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हैं रास्ते में स्टेशन पे, तो वो आपने देखी होंगी। दिल्ली में तो बारिश हो रही है, सो ये कह रहे थे कि यहाँ पे बारिश हो रही है क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हो रही है, धूप छाँव है। हाँ, हल्की सी हवा चल रही है, बट बारिश तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सो अभी हो रहे हैं 12:30, टाइम 12:30 का है, और कान्हा को 1 घंटे बाद लेने जाएंगे। आज उसका दूसरा टेस्ट है MSc का और खुशी की है आज छुट्टी, तो मैंने सोचा आज खुद से कुछ काम करवाया जाए। उससे मैंने आटा गूंधवाया है और आज लंच में हम बनाएंगे राजमा रोटी। तो चलिए बनाते हैं राजमा रोटी। आइए,
गाइस मैं बताना भूल गई कि आज है उत्तराखंड का पवित्र त्यौहार जिसे कहते हैं हरेला, जो कि श्रावण मास की पहली तारीख को, पहले गते को आता है। हमारे हमारे उत्तराखंड में पंचांग जो चलते हैं उसमें जो तारीख होती है, हिंदी में जैसे तारीख बोलते हैं, इंग्लिश में डेट बोलते हैं, तो उन पंचांग के हिसाब से जो पहला दिन होता है उसे पहली तारीख को गते बोलते हैं, एक गते दो गते। तो आज श्रावण मास का पहली तारीख है और भगवान शिव शंकर का महीना शुरू हो गया है। ये बहुत पवित्र महीना माना जाता है। शिव शंकर जी की पूजा की जाती है, उनके सारे सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने बहुत ही धर्म का काम किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, तीर्थ यात्रा की जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसके बीच में फिर कुछ आपदाएं भी आई हैं, लेकिन जो भी है हमारा जो सनातन धर्म है वो इसी विश्वास पर डिग है कि हमारे साथ शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये है आज का पहला दिन श्रावण मास का। तो मेरी तरफ से सारे उत्तराखंड वासियों को हैप्पी हरेला और हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी हरेले की जैसी हरियाली हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो और बरकत हो। वो बैग टाकेगा तो उसको पीछे बैठा दियो, अपने आप बैठेगा, ठीक है? अरे नहीं आती हमारी स्टेज। और पैसे पकड़ लेगी ना, कुछ नहीं होता, जा पिघल थोड़ी रही है, वैसे तेरे को पानी पसंद है। अरे कन्नू की बुक्स की ले जाएंगी? नहीं होती, उसका है ना वो वाटर प्रूफ वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, कवर। पैसे अच्छे से पकड़ ले। बारिश गड़गड़ाहट देखो बादलों की। बाय, अच्छे से जा। गाइस देखो बारिश आ गई है, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे दो नमूने भी आ गए उधर से। खुशी और कान्हा आ रहे हैं उधर से अभी। और देखो पक्षी कितना अच्छा लग रहा है, उनको उड़ रहे हैं, गर्मी से थोड़ा मुक्ति मिली। ये देखो आ गई खुशी कान्हा को लेके। बड़ा टाइम लगा दिया तुमने, इतने पीछे की टायर में हवा कम है बेटा। कन्नू ने बैठ के फूल दी। बहुत कम हो रही है इसमें हवा। फूस तो नहीं क्या? मेरे को लग रहा है ऐसे ही पंचर तो नहीं होगी इसमें। पकड़ो, बहुत जा रही है तो नीचे, कसम से। अच्छा दबा दबा है, पहले उसको दबा, टायर दबा साइड से, दबा ना हल्की हल्की हो रखी है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल हो गया कहाँ ना। अरे बैग तो अच्छे से नहीं गिराओगी रे। ये देख अंदर जा रहा है ना, हवा कम है, हवा कम है, चल। अरे देख ले, अंदर इधर भी कम से नहीं, नहीं पीछे वाले में ही है, आगे में नहीं है। हाँ आगे में भी कम है। पहली बार रेनकोट काम आया। कहाँ ये कहाँ मिला तुझे? वही कहाँ पे? स्टेशनरी के पास मिला ये। ठीक है चल अंदर चल। कैसा गया भाई टेस्ट? और स्टेशनरी बंद थी तो वीजा में लेके नहीं जा। टेस्ट कैसा गया? एकदम हार्ड था यार, दो मार्क्स छूट गए। हार्ड था कि अच्छा था? इजी था। इजी था, सही किया, दो क्वेश्चन छोड़े तो मतलब दो मार्क्स का था, दो मार्क्स का था, एक क्वेश्चन छोड़ा। छोड़ता क्यों है, कुछ भी लिख के आया करना हिसाब अपने दिमाग से। ये कौन सा मेरा, अगर वो क्वेश्चन मुझे आता होगा तो ये तो पिटेगा सर। दिखाइए, चल 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 कपड़ों उतार चल। क्वेश्चन नंबर, गाइस देखो बारिश आ गई है, कितना काला हो गया है। और ये दोनों पागल बच्चे बोल रहे हैं मेरे को नहाना है। इसके नीचे सर मत लगाना, बहुत पिटोगे, ऊपर से गंदा पानी आ रहा है। हाँ कहाँ ना, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे मत लगाना जुए पड़ जाएंगे खुशी। ऊपर से मिट्टी वाला पानी आ रहा है ना इसलिए। कान है कान है कान है, अरे असेंबली में नहीं क्लास में, तो सभाई तो हुई उसकी। कान्हा इधर देखना यार। गाइस कान्हा की आज उसकी मैम ने तारीफ करी थी पूरी क्लास में। अंदर कुछ और बाहर कुछ और है, क्या बोला कान्हा बता दो।
अरे यार मैंने बता तो सही यार। मैंने बोला अरे हाँ मैम ने बोला अगर मैं गाना को क्लास के बाहर भी पढ़ाऊंगी तो वो कुछ भी कर सकेगा, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, पढ़ लेगा। क्या एक्चुअली में हुआ क्या ना खुशी, ये क्लास में ना जिनकी हाइट शॉर्ट है ना उनको आगे बैठा रहे थे हैं, और ये पीछे वाले बेंच में बैठता है ना कनु। हाँ तो क्या हुआ, मैम ने बच्चों को आगे बिठाया तो सबने बोला कान्हा मैम कान्हा, उसकी हाइट छोटी है करके। तो कान्हा ने कहा, तो मैम ने बोला कान्हा से कि बच्चों से कान्हा के लिए कि कान्हा को मैं बाहर भी खड़ा कर दूंगी, वो कुछ ना कुछ याद कर ही लेगा। हाँ बोला था ऐसा, ऐसा नहीं होता, घर में करता ही है। कुछ कुछ बाहर अच्छा करते हैं, कुछ घर में अच्छा करते हैं। अच्छा तो एक काम, इधर आ जा, ये देखो ये ऐसे ही जा रहा है पागल सा, और मैं आपको दिखाऊं इसने उल्टी टी शर्ट आ गई, अब पीछे 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 घूम, ये देखो ये इसने बारिश में नहाया उसके बाद कपड़े बदले और बेचारे ने आगे का पीछे पीछे का आगे चल चेंज करते, बेवकूफ लड़की आगे का पीछे पीछे का। हेलो गाइस, फिर से अपनी साइकिल निकाल रहे हैं, ऐसे तो मैं उनको स्कूल से भी ले आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो मंडे को। दरवाजा दरवाजा दरवाजा, खुशी उसको अपनी साइकिल एक साइड रखो, बाहर जा रहा है। एक मिनट रुक जा कन्नू, अरे रुक ना साइकिल को पीछे वो खींच ले ना, मैं भी एग्जाम के दिन मैं भी यहीं पे खींच ले, बस यहीं पे चल जा, मैं भी छुट्टी मारूंगा एग्जाम के बाद। बेटा तेरे तो 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी ना, अब मैं एग्जाम के बाद छुट्टियां मारूंगा। अच्छा छुट्टी मारूंगा। हाँ चल चल आराम से जा, पहले निकाल ले फिर चढ़ियो नीचे से निकाल, देख पूरा गेट हिल रहा है। अच्छे से जा, दरवाजा दरवाजे नीचे कर दे खुशी, खुशी दरवाजे। जा अच्छे से भरवा के ले आना, हाँ आराम से। चल बाय गाइस, ये देखो यहाँ पे ये खेत जोत रखा है, और यहाँ पे कबूतर क्या खाने, दाना खाने आ गए। देखो इसमें जो बो रखा होगा ना वो खाने के लिए आ गए। बारिश के बाद कैसा हो गया देखो, बट बारिश हुई नहीं उतनी अच्छी, चिप 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 हो गया सारा। गाइस पहुंच गया हूँ झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के प्लेस में, देखो आप दोस्तों, यहाँ पर भी झांसी पर भी बारिश का मौसम हो रखा है, बट बारिश अभी तक आई नहीं है। जैसे दिल्ली में हो रखा था वैसे ही यहाँ भी हो रखा है, उमस हो रखी है। गाइस ये पहुँच गए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश, और कल तक पहुंच जाएंगे 4:30 या 5 के करीब। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में सफ़र अच्छा लगता है। गाइस देखो हम बना रहे हैं खीर, क्योंकि आज है हरेला उत्तराखंड में, और खीर कौन बना रहा है, खुशी सब उसने किया है, मैंने बस उसको बताया ऐसे ऐसे करना है ऐसे ऐसे करना, और मेरी एक छोटी सी गलती से थोड़ा सा दूध नीचे गिर गया। मैं स्ट्रीम को मैं इसको इसके लॉ को कम करने की बजाय ज़्यादा हो गया और उधर चली गई, मेरे ध्यान ही नहीं रही। अरे देखो खीर बन गई है, थोड़ी सी रह रही है थोड़ा सा और पकेगा ना, और देखो खुशी के खुशी को देखो इतने सारे लेके निकालो के। मैं, हाँ मैंने कहा बहुत सारे हो गए हैं, मैंने कहा बहुत सारे हो गए हैं, तो बोल रही नहीं नहीं ठीक है रहने, ये देखो। और खुशी अब बना रही है सोयाबीन की बड़ी, कहाँ रखी भाई बड़ी कहाँ है, पहले उनको निचोड़ दो लेती लड़की, निचोड़ लिए तेल गरम होने दे, बहुत गरम है नहीं हुआ अभी, अरे बहुत गरम है बस, तो हाथ पाँव मत जलाना यार। तो खुशी आज शेफ बनी है, खीर बन गई,
सब्जी बना रहे हैं फिर रोटी बनाएंगे। जी सर बोलो क्या कहना चाह रहे हो? खीर टेस्ट में अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए कान्हे की डिमांड, ये पता नहीं क्या यहाँ पे कटिंग फटिंग पे लगा है और बोल रहा है खुशी से खीर टेस्ट में अच्छी होनी चाहिए। आपको कुछ बताने ही बताने क्या अच्छा लग रहा है मेरे को गाइस का खुशी बोल रही है। मैंने खुशी को बोला कि अच्छा है तू सीख ले आगे जाके मेरी हेल्प करेगी, तो खुशी बोल रही है मेरे बस की नहीं है मैं नहीं करूँगी, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा बाद में कि मैं पढ़ाई वढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करूँगी। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई कैसे होगा मेरी हेल्प कौन करेगा बाद में, तो बोल रही है खुशी मैं मेड रख दूँगी दो फुल टाइम, एक झाड़ू पोछा वाली और एक किचन वाली। तो चलो देखते हैं भविष्य में क्या करती है ये, अभी तो बोल रही है। जी देखो खुशी ने खीर बनाई है और बड़ी की सब्जी और मैंने बनाई है रोटी। तो कैसा लगा कान्हा, सब्जी कैसी है? तीखी। सही से बताया आप, अच्छी है या नहीं? अच्छी हो रही है। और खीर? फाइन। खीर भी खा लें। अच्छी हो रही है पक्का? मजा आ गई तेरे को? खीर तो तेरे को पसंद है और कुछ पसंद हो ना हो खीर पसंद है कान्हा को। सो गाइस टाइम हो गया 10:30 और डिनर हो चुका है और जैसे कि आपको पता है कि ये पूना गए हुए हैं तो वो कल शाम तक पहुंचेंगे। सो हम लोग करते हैं सोने की तैयारी और ये था आज का ब्लॉग, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट से बताइएगा। और न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।